मैं तुझे एक दिन मजबूर कर दूंगा, एक रात पर तुझे चंदा मैं मजबूर कर दूंगा। यहां तक रहा चंदा मुझसे तो मैं तुझको मजबूर कर दूंगा। दशरथी कब तक रोनी अभी मैं से मिटा दूंगी हराम जादे। चंदा अगर तू नहीं मानती है तो मैं तुझे जादू मार कर तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ मैं तुझे जादू से अगर सीधे से नहीं मानती है और तुझे जादू से मैं बेहोश करके ले चलता हूँ अपने समान माता बसन जा रहे खाली तेरिया मसाल कर अगर सीधे से नहीं मानेगी मैं तेरे साथ अब जादू से काम कर चलो। अब तुम्हें ले चलता हूं अपने चमन में। चमन में चलो पीछे पीछे ले आए ये तो गजब हो गया। हाँ महारानी चंदा इस चमन से अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। चलिए हम लोग महाराज के पास चलते हैं, चलिए ये बातें बताते हैं। चलिए 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 सब ठीक है ना? ना मेरी बात को सुनो। मंत्री मान सिंह अभी तक दरबार में नहीं आया, उसे बुलाया जाए। महाराज मंत्री मान सिंह को किया है राजा? मंत्री मोहन सिंह। हाँ महाराज तो जानते हो किरारी लाडली राजकुमारी चंदा चमन चमन में घूमने के लिए गई है। जी हाँ महाराज, और काफी समय बीत गया अभी तक वो चमन से वापस नहीं आई। महाराज मैं उसी की चिंता में डूबा हूँ। बात क्या है कि अभी तक मेरी बेटी चमन से आई नहीं है। महाराज थोड़ा समय इंतजार की, ये राजकुमारी चंदा आती गई होगी। राजा जैसी आपका आदेश। महाराज की जय हो। महाराज बहुत गजब हो गया, चमन से कोई ना जाने कैसा जादूगर आया और राजकुमारी चंदा को उठा कर ले गया। क्या? जी हाँ मेरी बेटी चंदा को ऐसा नहीं होगा। मेरी बेटी चंदा को किसने ले गया? जी हाँ भगवान, ये कैसा मुसीबत तूने लाकर खड़ा कर दिया।
अबकी लाइट ना जोड़ा जोड़ा चला दिया तू मशीन करे तू इसलिए चालू कर दिया अरे राजू कहली अरे चालू पर मारता है उनका महामारी लाग गया कानी का जब घर माली सब के अभी बंद ना किया भैया है बंद कर घर लेके चला जाया भैया चलो अरे चलते लिए हेलो हेलो कैसा बिप